हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए हम आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं शाही मुगल बिरयानी। तो चलिए जल्दी से इसे बनाते हैं। तो शाही मुगल बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कुकर चाहिए होगा, जिसे कि हम हीट करेंगे। तो चलिए गैस को ऑन करते हैं। अब जैसे ही कुकर गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो हमारा कुकर गर्म हो गया है, तो इसमें हम अब ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल आपको बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, हम उसमें इसे अच्छी तरह से स्टर फ्राई करेंगे। और वेजिटेबल्स की जो अमाउंट है या क्वांटिटी है, वो ज्यादा होती है शाही बिरयानी में, इसीलिए हमें थोड़ा ज्यादा ऑयल चाहिए होगा। तो हमारा जो तेल है वो गर्म हो गया है, तो चलिए इसमें थोड़े खड़े मसाले डाल देते हैं। हम कुछ तेज पत्ते इसमें ऐड करेंगे, स्टार, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे और अब इसे अच्छी तरह से स्टर फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहे तो इसे घर पर बना सकते हैं, या जो बाजार में मिलता है उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करीबन 1.5 चम्मच हम इसमें ऐड कर रहे हैं। हम कम से कम 4 से 5 लोगों के खाने के भर का बना रहे हैं, उस हिसाब से हम इसकी जो क्वांटिटी है वो ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से जो क्वांटिटी है उसे डिफर कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है उसे हम ऐड कर लेते हैं। हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट को सॉटे कर लिया है। अब हम करीबन 1 कटा हुआ प्याज इसमें ऐड कर रहे हैं। हमने बहुत ज्यादा इसे फाइनली चॉप नहीं किया है, इसे भी अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सॉटे हो गया है जैसे हमें चाहिए, हल्का सा गोल्डन ब्राउन। अब जो वेजिटेबल्स हैं हम उसमें ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स आप अपने चॉइस के कोई भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं, 1 कटी हुई शिमला मिर्च, 1 गाजर, कुछ हरा प्याज, पत्ता गोभी, मटर और 1 कटा हुआ आलू। अब इसे हल्का सा हाफ कुक होने तक आपको स्टर फ्राई करना है। अच्छी तरह से मिला ले। तो हमारी जो वेजिटेबल्स थी वो अच्छी तरह से स्टर फ्राई हो गई है, बस हमें कुछ इसी तरह से चाहिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला। आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं, मैं करीबन यहाँ 1.5 चम्मच ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, करीबन 1 चम्मच, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, वो भी करीबन 1/2 चम्मच। अब इसे अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही, मैंने करीबन 1 बड़ी कटोरी दही इसमें ऐड किया है, और इसे भी आप अच्छी तरह से मिला लें। तो चलिए अब जो सोक किया हुआ राइस था हम वो इसमें डाल देंगे। मैंने करीबन 2 बड़े कप राइस इसमें ऐड किए हैं। आपको करीबन 1/2 घंटा पहले सोक कर इसे रखना है। अब ये ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। चलिए इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर ले। तो चलिए अब इसमें पानी ऐड करते हैं, और फिर 2 सीटी के बाद में आपकी जो शाही बिरयानी है वो बनकर रेडी हो जाएगी। मेक श्योर कीजिएगा जो पानी है वो चावल से थोड़ा ही ऊपर रहे, ज्यादा पानी इस्तेमाल उसमें ना करें।
सीटी के बाद हमारा जो बिरयानी है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो दो सीटी के बाद में हमने जो कुकर खोल लिया था, ये देखिए कितना भरभरा और कितना अच्छा दिख रहा है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने डियर और नियर वंस के साथ जरूर इसे शेयर करें। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए रेसिपी के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड एंजॉय दिस डिलीशियस बिरयानी।